दोस्तों नमस्कार, जय प्रकृति। आज आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। मैं एक बहुत अद्भुत चीज आपको दिखाने वाला हूँ। मैं घनश्याम मीणा, ग्राम पोस्ट करना, तहसील बसुआ, जिला दोसा। देखिए, आप जो ये देख रहे हो, ये एक मकान की छत है। चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक मकान की छत है जिसपे लोहे की जगह बांस का उपयोग किया गया है। ये महंगाई को देखते हुए लोहा लगभग 65 रुपए किलो, 66 रुपए किलो मिल रहा है। कितना? 76 रुपए किलो। 76 रुपए किलो लोहे का भाव। इससे डरकर हमारे किसान भाइयों ने, जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, उनको भी फेल किया है, उनके दिमाग को भी एक चैलेंज किया है इन्होंने। और हमारे किसान भाइयों ने, हमारे आदिवासी भाइयों ने, हमारे देहाती भाइयों ने, जो हम आदिवासियों के नाम से जिनकी पहचान है, उन आदिवासी भाइयों ने प्रकृति की मदद लेते हुए प्रकृति के तत्वों से मकान को बनाने की एक पहल की है। ये देखिए, जो मकान की छत पर जो लोहा लगाया जाता है, उसकी जगह बांसों का उपयोग किया जाता है। जो बांस लगभग 20-22 फीट की हाइट में, 50 फीट की हाइट में लगभग जो बांस होते हैं, उनको चीर कर, उन एक बांस की कई शाखाएं बनाकर, देखिए इनको बांसों को चीर रखा है और लोहे की तरह बांध कर, और ये बांस का जाल बनाकर इस पे छत भरी जाएगी। और इन भाइयों का, जो यहाँ के जो मिस्त्री जी हैं, ठेकेदार जी हैं और मकान मालिक हैं ना, इन सब भाइयों का कहना है, इनका ये दावा है कि जो लोहे का बना मकान है उसकी उम्र 50 साल हो सकती है, लेकिन इसकी निश्चित रूप से गारंटी के साथ ये कह रहे हैं कि इसकी निश्चित रूप से गारंटी के साथ इस मकान की उम्र 100 साल रहेगी, उससे दुगुनी रहेगी। लोहे को जंग लग सकती है, लेकिन इससे प्रकृति के तत्व को, बांस को, ये गलेगा नहीं, बीतेगा नहीं, इसको जंग नहीं लगेगी, ये सुरक्षित रहेगा, इनका दावा है, इनका कहना है। यहाँ के जो मकान मालिक है, मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामेश्वर प्रसाद मीणा। रामेश्वर जी, कौन सा गाँव है आपका? गाँव दिलावरपुरा, देंगड़ों की डानी। वेरी गुड। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, राजस्थान के दौसा जिले में बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की गुडा जो है, गुडा कटला ब्लॉक के पास में एक गाँव है दिलापुरा, एचडी दिलापुरा के नाम से। वहाँ एक ढाणी है, मीणाओं के कुछ आदिवासी मीणाओं के कुछ यहाँ घर हैं, जो डेंगड़ों के नाम से जाने जाते हैं, यानी डेंगड़ों की ढाणी में ये मकान बन रहा है। और यहाँ के जो ठेकेदार जी हैं, उनसे भी मैं रूबरू करवा देता हूँ, जो जिन्होंने अपना इंजीनियर दिमाग लगाकर, मैं सलूट करता हूँ इनके दिमाग को, इन्होंने अपना इंजीनियर दिमाग लगाकर ये इस तरीके की योजना और इस तरीके की सोच